कहा जाता है कि हमें सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। जब भी इक्लिप्स की घटना होती है, आपके आस पड़ोस घर के लोग उसे ना देखने की बात करने लगते हैं, भले ही उनको सूर्य ग्रहण ना देखने का रीज़न पता हो या नहीं, और सलाह दे डालते हैं। हालांकि वो कहते सही ही हैं, लेकिन उनमें से 70% लोगों को मालूम नहीं होता है कि सोलर इक्लिप्स क्यों नहीं देखना चाहिए। तो हेलो गाइज, मैं हूँ शिवम, और आज के इस वीडियो में हम जाने का प्रयास करेंगे कि हमें सोलर इक्लिप्स क्यों नहीं देखने चाहिए। सूर्य ग्रहण देखना या ना देखना ये अलग बात है, मेन पॉइंट ये है कि हमें सूर्य को ही डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। डायरेक्ट बोले तो बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के नंगी आँखों से। हमारी आँखों में किसी भी प्रकार की रोशनी लेंस के जरिए रेटिना में जाती है, और रेटिना उस बनने वाली पिक्चर को कैप्चर कर लेता है, और हमारा मस्तिष्क भी फाइनल तस्वीर रेटिना से ही लेता है। अगर हम डायरेक्ट सूरज को देखेंगे तो हमारी आँखों का लेंस रोशनी को रेटिना पर फोकस कर देगा। ये रोशनी रेटिना को डैमेज कर सकती है, और इस डैमेज को सोलर रेटिनोपैथी का नाम दिया गया है। ग्रहण वाला सूरज देखने के लिए लोगों की उत्सुकता बहुत ही ज़्यादा होती है। किसी नॉर्मल दिन से अलग हम ग्रहण वाले सूरज को देखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें रेयर चीज़ों को देखने का एक अलग ही मोटिवेशन होता है। जिस लेंस से प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जाता है, उसी के ठीक पहले हमारी आंखों की पुतली होती है, जो कि लाइट के ब्राइटनेस के हिसाब से छोटी बड़ी होती रहती है। अगर आंखों से ज़्यादा रोशनी अंदर जाती है तो पुतली सिकुड़ जाती है, ताकि कम रोशनी अंदर जाए और रेटिना डैमेज ना हो। ग्रहण वाले सूरज से नॉर्मल सूरज के मुकाबले कम रोशनी आती है, इसलिए हमारी पुतलियाँ उतना नहीं सिकुड़ती हैं जितना उन्हें सिकुड़ना चाहिए। हम बिना पल के झपकाए सूरज को देखते रहते हैं। सूरज से आने वाली बहुत सारी रोशनी अंदर रेटिना पर जाकर उसे डैमेज कर देती है। इसको देखने से लोग पूरी तरह अंधे नहीं होते हैं, लेकिन उनका सेंट्रल विजन खराब हो जाता है और कोशिकाएं भी डैमेज हो जाती हैं। ये कुछ इस तरह होता है कि अगर आप किसी बल्ब को कुछ सेकंड्स के लिए लगातार देखते हैं, उसके बाद नॉर्मली किसी दूसरी जगह देखते हैं, तो आंखों के सामने कुछ लाइन सी दिखाई देती होंगी और आंखों में धुंध सा दिखता है। तो बेसिकली यही रीज़न होता है कि हमें सोलर इक्लिप्स नहीं देखना चाहिए। सोलर इक्लिप्स ही नहीं, कोई भी ज़्यादा ब्राइटनेस वाली चीज़ नहीं देखनी चाहिए। यहाँ तक कि अपने मोबाइल को भी ब्राइटनेस कम करके ही यूज़ करना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।